एमपी के रीवा जिले में गणतंत्र दिवस पर परोसे गए भोजन को खाने से आधा सैकड़ा से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरा मामला रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के पडरी गाँव का है, जहाँ पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय पडरी में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद बच्चों को मध्यान्ह भोजन परोसा गया, जिसको खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते करीब आधा दर्जन बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। देखते ही देखते स्कूल में हड़कंप मच गया और तुरंत सभी बच्चों को इलाज के लिए सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि श्री स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल में माध्यान्त भोजन दिया जाता है। रसोईया द्वारा पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी बनाई गई थी और लड्डू बैकुंठपुर के एक दुकान से लाए गए थे, जिसको खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। आधा सैकड़ा से ज़्यादा बच्चे इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिसमें 45 छात्र स्कूल के हैं और करीब 16 बच्चे आसपास के गाँव के हैं। ऊपर का लीजिए सर, आज जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ था, उसमें कितने बच्चे मतलब हालत ख़राब है, कितने रेफर किए गए हैं? यही पडरी के पास एक स्कूल है, उसमें करीब 58 बच्चे जो ये खाना मिलता है, सब्जी पूड़ी और लड्डू, खाने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास उल्टी स्टार्ट हो गई थी उनको, अब पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग का केस था। 58 बच्चे एडमिट किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ा सा दिक्कत थी, ज़्यादा उल्टी बंदी हो रही थी, सबका ट्रीटमेंट किया जा चुका है। एक बच्ची थोड़ी सी लग रही थी सीरियस, उसको भेज दिया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए और 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इनको, 6 बजे तक में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जिसकी जैसी कंडीशन है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।